नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, तहे दिल से मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आज आप लोग के प्यार की वजह से, सम्मान की वजह से, श्रद्धा की वजह से मेरे 300 सब्सक्राइबर हो गए। वैसे सब्सक्राइबर क्या होता है मुझे पता नहीं, इस बारे में कुछ नहीं मालूम। बेटी ने चैनल बनवा दिया, आप सब लोग का कमेंट पढ़ती हूँ, आप सब लोग की बातें सुनती हूँ, तो बहुत 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 अच्छा लगता है। मैं तो यही कहूँगी, जाने क्या देखा मुझमें, मुझे प्यार कर लिया आंटी, मैडम, नानी, चाची, माँ जी कह करके मुझे अपने आंचल में भर लिया। किस किस का धन्यवाद करूँ? हेमंत, पीयूष, अमन, हर्षवर्धन, नंदनी, कमलेश, दीक्षा, आकाश, अंजलि, राहत, सावली, सत्येंद्र, आयशा, नीतू, जेनिफर, स्पर्श, गरिमा, आशा, लक्ष्मी, प्रिया, ममता, रचित, विकास, मुकेश, सचिन, अजवीर, विनोद, सत्येंद्र, संस्कृति, सूरज, चंदन, अनुराग, सरोज, मैं इन सब बच्चों की, कुछ नाम छूट भी गए शायद मुझसे, तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। प्यारे बच्चों, आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मेरे जीवन में इतने सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। अब तो मुझे हमेशा ही लगता है कि मेरे परिवार के साथ साथ मेरा एक और परिवार है, जिसे अभी मैंने देखा तो नहीं, लेकिन जहाँ बेहद प्यार बरसता है। मेरा तो वो हाल था प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, कि बैठ अकेली करती थी मैं दीवारों से बातें, तुम सब मुझको क्या मिल गए, मेरी तो गुलजार हो गई रातें। स्कूल में भी मेरा स्टाफ कहता है कि मैडम क्या बात है, आप बड़ी सुंदर लगने लगी, आपके चेहरे पर नूर बरसने लगा। मैं कहती ये तो सब मेरे बच्चों का प्यार है, आप लोगों ने इतनी खुशियाँ दी कि वो आपका प्यार लोगों को नज़र आने लगा। खैर, मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आज मैं आपको सुनाती हूँ एक नई कहानी। एक किसान था जिसका नाम था सत्येंद्र। सत्येंद्र को विरासत में बहुत बड़ी जायदाद मिल गई। अब तो सत्येंद्र जहाँ इतना मेहनती था, सूर्योदय से पहले उठ जाता था, सत्येंद्र बहुत आलसी होने लगा, बहुत आलस करता, देर से सो के उठता, सारे काम धीरे धीरे करता, कभी करता कभी नहीं भी करता। एक दिन सत्येंद्र से उसका मित्र अजवीर मिलने आया। अजवीर ने अपने मित्र को देखा, उसने कहा, अरे मित्र ये क्या हाल बना रखा है, सत्येंद्र आपके तो पूरे घर में अराजकता फैली हुई है, इतने आलसी कब से हो गए? सत्येंद्र बोला, अरे यार सब चलता है, ठीक है, अब कमाने वाने कोई और नहीं, मेरे को बहुत संपत्ति मिल गई। अब उसके मित्र ने, अजवीर ने सुना, उसे बड़ा दुख हुआ कि संपत्ति मिली हो तो धीरे धीरे खर्च हो जाएगी, लेकिन अगर मेरे मित्र की मेहनत करने की आदत छूट गई तब तो बड़ा बुरा होगा। बातों बातों में उसने अपने मित्र से, सत्येंद्र से कहा, सत्येंद्र यहीं पास में एक महात्मा आए हुए हैं, वो तो लोगों का ऐसा मार्गदर्शन करते हैं जो उनके दर्शन कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, और वो ऐसी ऐसी युक्तियाँ बताते हैं कि उससे आदमी धनवान हो जाता है। सच में? कहा, हाँ बिल्कुल सच। बोले, चलो इसी समय घूम के आते, देख के आते। और सत्येंद्र अजवीर के साथ महात्मा जी के दर्शन के लिए चल पड़ा। जब वो वहाँ पहुँचा, अब क्योंकि अजवीर ने तो पहले ही महात्मा जी को, अपने मित्र को सही रास्ते पर लाने के लिए सब कुछ बता रखा था, तो उन्हें कहा, महात्मा जी हमने सुना है कि आप गरीब को भी अमीर कर देते। बोला, हाँ बिल्कुल सही। कहा, क्या उपाय उसका? कहा, देखो सूर्योदय से पहले एक सफ़ेद रंग का हंस आता है, और वो हंस के जो दर्शन कर लेता है वो दिन ब दिन अमीर हो जाता है, लेकिन वो आता सूर्योदय से पहले ही है। अब ये तो तुम्हारे देखने ऊपर डिपेंड करता है। घर आई, अब सत्येंद्र ने हंस देखने के लालच में अगले दिन सुबह जल्दी उठ गया और तड़के पहुँच के अपने खेत खलिहानों में हंस को देखने के लिए। सोचा कि आएगा तो बाहर ही आएगा, खुले में आएगा, मेरे घर में थोड़ी ना आएगा। जो खेत खलिहानों में पहुंचा, उसने देखा उसके रिश्तेदार बोरियों में अनाज भर भर के चुरा चुरा के लेके जगह जा रहे थे। तो सत्येंद्र ने, ये क्या कर रहे हो? अब तो चोर का दिल आधा चेहरा पूरा उतर गया, डरा हुआ, और छट से बोरी नीचे फेंक दी। गलती हो गई, माफ कर दो, अब नहीं करेंगे। सत्येंद्र आगे बढ़ा, गौशाला में पहुंचा, देखा चारों ओर गंदगी गंदगी, ले गंदगी एक गंदगी, और उसके अलावा सारे नौकर आराम से सो रहे। उसने सबको जगाया, उठो उठो उठो, ये कोई सोने का समय। और जब सबको उठा रहा तो उसने देखा जो उसका गौशाला में जो उसका दूधा था, जो दूध होता था, वो दूध चुरा के लेके जा रहा था। अब सत्येंद्र ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा, क्यों?
दूध चुराते शर्म नहीं आती? अब उसकी आंखें मारी शर्म के नीचे हो गई, तुरंत कान पकड़ा, माफ़ कर दीजिए अब गलती हो गई, अब नहीं करूँगा, बस आज ही चुराया था, मैं चुराता नहीं हूँ। सतीन ने कहा ठीक है जाओ। अब सतीन अपने घर आया, दूसरे दिन फिर हंस देखने के लालच में वो फिर जल्दी उठ गया, फिर वो खेतों में खलिहान में पहुँचा। अब जो उसके रिश्तेदार नातेदार थे उन लोगों ने चोरी करना बंद कर दिया, गौशाला पहुँचा दूध वाले ने दूध चुराना बंद कर दिया, सब सफाई होने लगी, सबको पता लगा अरे मालिक तो पंक्चुअल हो गया, वो सावधान हो गया, रोज उठने लगा है, सारा काम व्यवस्थित हो गया, सब सुंदर ढंग से गाड़ी चल पड़ी। कुछ दिन बाद सत्येंद्र पहुँचा महाराज जी के पास और बोला महात्मा जी आपको मेरा सादर प्रणाम, आपकी कृपा से मेरे घर में धन तो बहुत आ रहा है, लेकिन मुझे आज तक वो हंस नहीं दिखाई दिया जिसकी आप बात कर रहे थे। तो महाराज जी ने कहा, उस संत महात्मा ने कहा कि हंस तो आया था, आपने दर्शन भी उसके किए, लेकिन आप पहचान नहीं पाए उसको। कहा मतलब? कहा उस हंस का नाम है परिश्रम, कहते उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाहि मनोरथे नाहि सुतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगेमिका। जिस तरह हिरण जो वो शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है, तो उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि अर्थात मेहनत से ही सभी काम संभव होते हैं या पूरे होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। जिस तरह सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते, हिरण क्या है, शेर क्या है, जंगल का राजा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपना शिकार करने के लिए मेहनत करता है। उसी तरह मेरे प्यारे साथियों हमें भी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। कहते मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाहि मनोरथे नाहि सुतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगेमिका। आप लोग अच्छी तरह समझ गए, तो देखिए क्या करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। कहते हैं उद्यमेन पुरुषा लक्ष्मी ताकी चेरी, जो मनुष्य मेहनती है माँ लक्ष्मी भी उसकी गुलाम बन जाती हैं, अर्थात माँ लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देती, बच्चे तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं तुमसे बचकर कहाँ जाऊँगी। तो प्यारे साथियों मेहनत अपने हाथ की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल को औरों की खातिर की थी आज अपनी खातिर करना, अपना सुख भी एक ऐसा थी अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक। तो आज से हम क्या करेंगे, भरपूर मेहनत करेंगे और आलस नहीं करेंगे, क्योंकि आलस सबसे बड़ा दुश्मन है। जहाँ आलस आता है वहाँ कभी भी उन्नति नहीं होती, वहाँ प्रगति नहीं होती, वहाँ सफलता नहीं प्राप्त होती। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि प्यारे साथियों प्यारे बच्चों मुझे भूत की भी कहानियाँ आती हैं, क्या आप लोग सुनना पसंद करेंगे? तो आज की कहानी में आपने क्या सीखा और आप भूत भूत की कहानी सुनना पसंद करेंगे नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएंगे। अच्छा फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, सबको मेरा नमस्कार।